चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। रेजोनेंट एसी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर, ठीक है, ऑफ कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है इन केस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, और एक्सएल की वैल्यू एल ओमेगा होती है, एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन सी ओमेगा। अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, ठीक है। तो मैं यहां पर 2 पाई न्यू अगर रख दूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, या इसको न्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब यहां पर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 4, और सी की वैल्यू होगी 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में 10 टू पावर माइनस 10, यानी इसको ऊपर ले जाएं तो ये होगा 10 टू पावर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है फ्रीक्वेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।